नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर विश्वविद्यालय की तरफ से अभी अभी की बड़ी अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली 22वां दीक्षांत समारोह आयोजन में स्नातकोत्तर शैक्षणिक सत्र 2016-18 के सर्वोच्च मेधा प्राप्त छात्र छात्राओं के आवेदन उपलब्ध कराने हेतु यह अपडेट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू नोटिस जारी किया है। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। महामहिम राज्यपाल सर कुधा देख सकते हैं कुलाधिपति विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय में 20 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य 22वां दीक्षांत समारोह का आयोजन निश्चित है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जिसमें विषयांकित 17 के सर्वोच्च मेधा प्राप्त छात्र छात्राओं को स्वर्ण पद, इसमें बताया जा रहा है कि उपाधि प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिसकी सूची संकलन है जिसे मगध विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। आप जाहिर कि मगध विश्वविद्यालय पर भी देख सकते हैं ये यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात बता दें कि मगध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर भी जारी किया जा चुका है। आप सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आपसे आग्रह है कि आपके विभाग महाविद्यालय से संबंधित छात्र छात्राओं को इस संबंध में सूचना प्रेषित कर उनके आकर्षित आवेदन के साथ उनका पूरा पता एवं संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर सहित आवेदन विश्वविद्यालय मुख्यालय में दिनांक 16/4/2021 तक जमा करना सुनिश्चित की जाए, ताकि विश्वविद्यालय स्तर की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, एवं यहां पर बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान की जा चुके हैं। मतलब 22वां दीक्षांत समारोह इसलिए जो किया जाता है कि गिने चुने छात्रों को मेडल प्राप्त किया जाए, मतलब मेडल मिलता है। इसमें बड़ी अपडेट है। चलिए इसमें और भी थोड़ी सी बड़ी अपडेट जान लेते हैं। एक अपडेट और आया हुआ है, इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है, टॉपर्स का, टॉपर्स वालों की भी बात की जा रही है इसमें। ठीक है, चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहां पर देख सकते हैं फिर से एक नया यहां पर विंडो ओपन हो गया है। देखिए यहां पर टॉपर्स वालों का लिस्ट भी जारी किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, फिजिक्स, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स का नेम दिया हुआ है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, सूची जारी की गई है। ठीक है, आप ये सूची आप डायरेक्टली मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जारी हो चुका है, देख सकते हैं न्यू नोटिस बोर्ड आपको मगध यूनिवर्सिटी का यह ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। ये मगध यूनिवर्सिटी .ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं 22वां दीक्षांत समारोह का डेट अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अपडेट पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग टॉपर्स का लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूँ, एक अपडेट आ रहा है 17-20 पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो BA BSc BCom वाले, उनके लिए भी अपडेट जारी किया गया है। जो छात्र 17 तारीख तक आप लोग परीक्षा, जो छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है, 17 तारीख तक आप लोग जाके एक अप्लीकेशन लिख कर महाविद्यालय यानी कॉलेज में जमा कर दीजिए। 17 तारीख से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट, जो भी छात्रों का पेंडिंग बता रहा है, वही पेंडिंग वाले छात्र ही अपना एक अप्लीकेशन लिख कर ले जाकर कॉलेज में जमा करें। जो छात्र का रिजल्ट चेक हो गया है वो छात्र ना जमा करें, जो छात्रों का रिजल्ट चेक नहीं हुआ वो छात्र ले जाकर एक अप्लीकेशन लिख कर जमा कर दें कि आप लोगों का रिजल्ट दोबारा से सुधार कर आप लोगों का अपलोड किया जा सके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए और सभी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी करिए। और जैसे कि न्यू अपडेट आएगा आपको तुरंत इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए।